आज हम सभी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे जो एग्जाम में 4 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये और में पूछा जाएगा, अथवा में, किसके अथवा में, डिटरमिनेंट का जो क्वेश्चन आता है ना उसके अथवा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं इसे आसानी से। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है ना। फाइंड द एरिया, क्षेत्रफल ज्ञात करें ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का है ना, ट्रायंगल का, त्रिभुज का, विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट, सबका एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी, किस तरह बनाएंगे हम लोग। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है जी 1/2, है ना, डिटरमिनेंट के रूप में लिखते हैं। ये जो पॉइंट दिया होता है ना आपको, वो लिखना है पहला, पहला पॉइंट कितना है 10, तो यहां पर लिखेंगे 10। ठीक, सेकेंड पॉइंट कितने हैं 60, क्लियर है। थर्ड पॉइंट कितने हैं 43। और इधर जो साइड में जो है ना वो 111, यूनिटी लेना है, एक एक लेना है हमेशा। ठीक है, आपको तीन पॉइंट दिया रहेगा एरिया फाइंड करने के लिए, रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल क्या होता है, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट, तीनों पॉइंट्स है ना, एज 10, 60, इस तरह करके। ठीक है, अब इसे आप एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने का मकसद 1/2 देखिए, है ना, चलिए ब्रैकेट 1 लेंगे सबसे पहले, है ना, रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 लेंगे सबसे पहले, और 1 लेंगे, चलिए 1 लिया, इसके बाद ब्रैकेट 1 लिया है, डिलीट, इसके सामने रो डिलीट हो गया, नहीं लेना है, इसके सामने ये रो कॉलम डिलीट हो गया, है ना। तो बचे हमारे पास कौन कौन एलिमेंट, 0, 1, 3, 1, ठीक है, ये 4 बचे है ना। तो 4 जो बचे हैं सबसे पहले ऐसे गुणा करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, डिटरमिनेंट मैंने बताया है 4 एलिमेंट्स है, तो पहले इस तरह से क्रॉस गुणा करेंगे, यहां ऐसे, उसके बाद इस तरह से। ठीक है, तो 0 को 1 से करेंगे गुणा, कितना आएगा जी 0, बीच में माइनस का साइन, जब दूसरे वाला गुणा करेंगे तो 3 × 1 कितने हो गए, 3 लिख लीजिए, हो गया ना 1 से कंप्लीट। अब उसके बाद 0 लीजिए, तो ये पहला यहां पर जो साइन होता है जी, पहले फर्स्ट प्लेस पर प्लस का साइन लिया जाता है, सेकेंड वाला माइनस, थर्ड वाला प्लस लिया जाता है, तो ये जो साइन आएगा इसमें वो माइनस लेकर आएगा, माइनस लिखेंगे ये नंबर को 0। ठीक है, अभी लिख रहे हैं, बाद में बता देंगे कि 0 है तो क्यों लिखेंगे, वो तो खत्म हो जाएगा, इसी 0 से गुना होकर सब खत्म हो जाएगा, इसका रो डिलीट है ना, इसका कॉलम डिलीट, बचा कौन कौन, 6, 1, 4, 1, ठीक है, ये 4 बचे है ना। तो पहले ऐसे गुना मैंने बोला था, 6 को 1 से गुना करोगे तो कितने आएंगे 6, बीच में माइनस का साइन, 4, 1 जा 4, ठीक है, हो गया ना, प्लस फिर 1 लेंगे, देखिए प्लस प्लस लिया है मैंने, यहां पर प्लस होता है ना, पहले प्लस उसके बाद माइनस उसके बाद प्लस, ठीक है। तो ये डिलीट, रो डिलीट, कॉलम डिलीट, चलिए बचा कौन कौन, 6, 0, 4, 3, ये 4 बचे हैं, तो पहले से गुना करो, 6 × 3 = 18, माइनस 4 × 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट, बेहद आसान है, ठीक है ना, आप इसे कर लीजिएगा, जरूर से करिएगा इसको, ठीक है ना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बनने वाला चीज है, एक आप समझ लीजिएगा तो दूसरा तीसरा सब इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। 1/2 का 1/2, 0 में माइनस 3 घटेगा तो -3, फिर 1 से गुना हो जाएगा तो -3 ही आएगा यहाँ पे, है ना, ये 0 से पूरा तो 0 ही आ गया, 18 में 0 घट गया तो 18 ही बचेगा, 18 × 1 = 18, ठीक है, 18 में 3 घटेगा जी कितना बचेगा 15, है ना, 15 तो 1/2 × 15 आपके आंसर हो जाएंगे 15/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, क्योंकि एरिया जो होता है ना वो स्क्वायर यूनिट होता है, यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ, इसलिए हम लोग केवल दिखाएंगे कि स्क्वायर यूनिट में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सेकंड एक और बना लेते हैं। देखिए, एक और मैंने पॉइंट लिया है ए -2, 3, है ना, ए बी सी मैंने खुद से लिया है, ठीक है ना, नाम ले लिया, तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट का साइन से, है ना, पहला पॉइंट कितना -2, -3, तो -2 यहां लिखेंगे, -3 लिख लेंगे, सेकेंड पॉइंट 3, 2, 3, 2, ट्राई जरूर करिए, -1, -8, -1,
माइनस एट, ठीक है। इधर साइड में कितना लेना, वन वन वन, है ना, टू टू ना लेंगे, थ्री थ्री कुछ ना लेंगे, ठीक है ना, यूनिटी हमेशा लेना है, ठीक। तो चलिए वन बाय टू, अब थोड़ा सा बताइए, यहां पर लेंगे प्लस का साइन होता है, लेकिन ये जो भी यूनिट है तो वही ले लिया आएगा, क्योंकि प्लस साइन होता है, माइनस टू आएगा तो प्लस माइनस माइनस ही ना हो जाएगा, माइनस टू। चलिए ठीक है, डिलेट डिलेट, तो बचा कौन कौन, टू वन माइनस एट वन, तो दो एक का दो, टू इंच टू माइनस बीच में साइन, माइनस आठ को वन से गुना करोगे तो माइनस एट आएगा, है ना, और यहां पर माइनस है तो प्लस एट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां माइनस होता है ना, जो माइनस प्रोसेस वाला, ठीक है, और यहां पर माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री यहां पर बैठेगा तो प्लस थ्री हो जाएगा, है कि नहीं, थोड़ा सा माइनस प्लस जो है ना वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, रो डिलेट कोला में इसका डिलेट कितना बचा, थ्री वन माइनस वन वन, ठीक है, तीन को एक से गुना करोगे तो कितना आएगा, तीन आएगा, माइनस माइनस वन को वन से गुना करोगे तो माइनस वन आएगा, है ना, तो माइनस वन आएगा, तो यहाँ पर माइनस कर जाएगा प्लस वन, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस होता है ना, प्लस वन लेंगे। अब डिलेट डिलेट, थ्री टू माइनस वन माइनस एट, तो कितने हो गए, माइनस चौबीस माइनस ट्वेंटी फोर, बीच माइनस का साइन, माइनस वन इंटू टू कितने हो जाएंगे जी, माइनस टू, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का टू, ठीक है। हाफ ऑफ आठ और दो दस, दस को दो से गुना करो तो माइनस बीस हो जाएंगे, तीन और एक चार, चार त्रिका बारह, प्लस का बारह आएगा, माइनस चौबीस है प्लस दो यानी कि माइनस बाईस आएगा, माइनस बाईस को वन से गुना करोगे तो माइनस बाईस, ठीक है। अब देखिए हाफ है ना, अब इसको घटा लीजिए तो 22 में प्लस अगर 12 जोड़ेंगे तो माइनस 10 बचेगा, माइनस 10 और यहाँ पर माइनस 20 यानी कि माइनस 30 आ रहा है, काट दीजिए माइनस 15, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए माइनस 15 आ रहा ना, तो हम लिखेंगे 15 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब बोले प्लस क्यों लिख दिए, तो यहाँ पर दिखा देंगे, बिकॉज बिकॉज एरिया बी ऑलवेज, ठीक है ना, एरिया बी ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, तो आपका नेगेटिव भी वैल्यू आएगा ना, तो उसको पॉजिटिव में ही दिखाना है जी, क्योंकि एरिया जो हम लोग दिखाते हैं ना वो पॉजिटिव में ही दिखाते हैं, एरिया पॉजिटिव ही लिखा जाता है, लेंथ पॉजिटिव में लिखा जाता है, हाइट पॉजिटिव में लिखा जाता है, समझे ना बात को, तो यूनिट है आपका 15 माइनस आया, तो आप उससे दिखाएंगे कि 15 होगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, यहाँ पर दिखा देंगे कि बिकॉज एरिया भी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे जी पूरा, सो दैट द पॉइंट्स ए करके दिया, बी करके कितना दे दिया, सी करके कितना दे दिया, ठीक है, आर कोलिनियर, ये आपसे बोल रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट दिया ना वो कोलिनियर पॉइंट है, ये प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। तो हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे कि वी नो दैट, हम सभी जानते हैं फोर कोलिनियर, हमें कोलिनियर सिद्ध करना है ना, यही तो प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, तो कोलिनियर के लिए हम सभी को लिखना होता है, जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो, जिसके जिसके एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ना जीरो हो जाता है ना, तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। यानी तीनों पॉइंट जो हम डिटर्मिनेंट उसके एरिया जो निकालते थे, एरिया जीरो आना चाहिए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे, ठीक है। तो ये मुझे प्रूफ करना है, तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने जानते हैं कि वन बाय टू करके डिटर्मिनेंट लगाते हैं, तो डिटर्मिनेंट में पहला पॉइंट ए कॉमा बी प्लस सी, ये दूसरा पॉइंट बी प्लस सी लिखेंगे, दूसरा पॉइंट बी कॉमा सी प्लस है, तो बी कॉमा सी प्लस है, ठीक है। तीसरा पॉइंट सी कॉमा ए प्लस बी, सी कॉमा ए प्लस बी, बाहर में क्या लेंगे, वन 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 साइड में ना यूनिटी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ध्यान दीजिए मैंने लिखा है फॉर कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का ये फॉर्मूला है ना, इज इक्वल टू जीरो। चलो हाफ का हाफ कोई दिक्कत नहीं भी, अच्छा एक्सपेंड करके बनाऊ या जोड़ जाड़ के बना दू, है ना, तो अगर हम लोग इसमें एड कर लेते हैं ना, तो ए प्लस बी प्लस, ये देखिए ये वाला जो कॉलम है कॉलम टू
है ना, ये सी टू होता है, तो ये सी टू जो है अगर हम इसमें ऐड कर दीजिए तो ये वाला हो जाएगा ए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी यहाँ बन जाएगा, ये भी ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अभी एक्सपेंड करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा, ठीक है, बन सकता है बिल्कुल, लेकिन हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, सी वन अप्लाइंग सी वन प्लस सी टू, हाँ ध्यान दीजिएगा ऑपरेशन कोई ज्यादा टफ नहीं है, इसे आप बोलते सी टू, ये वाला आपका होता है सी वन, ये होता है सी थ्री, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये है ना ये वाला सी टू, इसको एड इसमें जोड़ रहे हैं, सबको उठा के यहां जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जोड़िए हाफ का हाफ, इसको यहां जोड़िए, तो ए प्लस बी प्लस सी लिखा जाएगा अच्छा से, है ना, इसको यहां जोड़ेंगे तो बी प्लस सी प्लस ए लिखाएगा, तो अच्छा से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी लिखाएगा, ठीक है ना, इसको भी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी है और सी जोड़ेगा तो लिखा जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, है ना। और ये उसी तरह से फिर से कॉपी हो जाएगा कि बी प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी, ठीक है। ऑपरेशन यहां देखिए सी वन प्लस सी टू, सी वन में हम क्या कर रहे हैं, सी वन अप्लाइंग कर रहे हैं, सी वन और सी टू को जोड़ रहे हैं, इसको इसको दोनों को जोड़ के जोड़ रहे हैं, जोड़ के कहां लिख रहे हैं सी वन प्लस पर, है ना, ठीक है। तो कितना है जी साइड में वन वन वन, देखिए इससे क्या फायदा होगा, है ना फ्रेंड, आपको जो बता रहा हूं कि जैसे आपको बताया ना मैंने ए लेंगे डिलीट करके लिखेंगे उस तरह बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या फायदा होने वाला मैं बताने वाला हूं, ठीक है, यहां पर आप कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम, देखिए ये कॉलम वन है, हाँ, सब में ए प्लस बी प्लस सी है, तो फ्रॉम सी वन, है ना, कॉलम वन हाफ ऑफ, तो ठीक है ए प्लस बी प्लस सी बचेगा क्या जी, यहां वन बचेगा, वन बचेगा, वन बचेगा, ये b प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी उसी तरह से रहेगा, साइड वन 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 था, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ाया है आपको कि अगर किसी डिटरमिनेंट में चाहे दो रो या दो कॉलम सेम सेम मिल जाए तो उसको आइडेंटिकल बोलते हैं, आइडेंटिकल हो जाए, है ना, तो उसका जीरो होता है डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो यहां पर देखिए हेयर C1, ये C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं सेम, कोई वर्ड यूज करिए, है ना, सेम, ठीक है, सो इट्स वैल्यू बी जीरो, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू, इसका वैल्यू तो जीरो निकला। अब जीरो से जो मल्टीप्लाई होता है आप सभी जानते हैं कि ये जीरो हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, यस इट इज कोलिनियर, इट इज कोलिनियर, ठीक है, तो यस ना लिखिए, इट इज कोलिनियर, ठीक है, यस को लिख देंगे प्रूव्ड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है जी, फाइंड द वैल्यू, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू यहां पर फाइंड करना है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज फोर स्क्वायर यूनिट, जिस एरिया निकालते थे ना यहां पर दे दिया एरिया आपको, मान लीजिए कि चार स्क्वायर यूनिट हो, है दिया हो, ठीक है, तो के का वैल्यू निकालिए, देखते हैं आगे। एंड वर्टिसेस आर, पहला क्वेश्चन यहां पर दिया के कोमा जीरो फोर कोमा जीरो जीरो कोमा टू, ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस टू कोमा जीरो जीरो कोमा फोर जीरो कोमा के, तो हमें ये जो है ना के ये वैल्यू निकालना है, और इसका जो एरिया दिया हो, एरिया दे दिया कि एरिया आपका चार स्क्वायर यूनिट है, ठीक है, तो के का वैल्यू क्या होगा ये एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं, हम इसे बनाएंगे तो आप इसे जरूर बना सकते हैं ना, सेम टू सेम है, पॉइंट तो केवल चीज है ना। देखिए सोल्यूशन करेंगे, वी नो दैट हम सभी जानते हैं क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ फर्स्ट पॉइंट, है ना, फर्स्ट पॉइंट कितना है k कोमा जीरो, सेकेंड पॉइंट 4 कोमा जीरो, थर्ड पॉइंट 0 कोमा टू, है ना,
0.2111 करके ऐसा लिखना जानते है ना। और हम सभी कुछ दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर इंच, तो यहां पर जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पर लिख देंगे प्लस माइनस 4 स्क्वायर इंच। अब बोलेगा सर प्लस ही तो लिखते हैं ना, तो प्लस माइनस दोनों यूनिट आता है लेकिन हम लोग यूज करते हैं प्लस में है ना, इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस दोनों दिखाएंगे। जो भी एरिया दिया रहेगा ना, एरिया दिया हुआ कितना 4, तो 4 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एरिया जो निकालते हैं वो प्लस माइनस दोनों में आता है इसलिए हम लोग इसको ऐसा दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए हाफ इसको एक्सपेंड कर देते ना, तो एक सेकेंड ये है ना, तो यहां पर लिखेंगे 4 प्लस माइनस, ठीक है ना, इसके लिए लिख दिए 4 बराबर बराबर हाफ का हाफ। चलिए एक्सपेंड करके बनाते हैं, के लेंगे डिलेट डिलेट 0121, तो ऐसे गुना करो पहले तो मिलेगा आपको 0 माइनस 2 × 1 2, ठीक है, फिर लेंगे 0 को तो यहां पर माइनस 0 डिलेट डिलेट 4 × 1 4 माइनस 0 × 1 कितने हो जाएंगे जी 0 प्लस अब आएगा 1 है ना। चलिए डिलेट डिलेट 4 0 0 2 तो 4 × 2 8 माइनस 0, ठीक है, तो इधर लिखते हैं प्लस माइनस 4 हाफ का हाफ, ये 0 तो ऐसे ही खत्म है, माइनस 2 गुना करेंगे तो माइनस 2 के ये 0 से पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, 8 में 0 कटे 8 × 1 तो 8 ही आएगा, प्लस माइनस 4 कॉमा ए इक्वल टू हाफ ऑफ 8 माइनस अच्छा से लिख सकते हैं ना 2 के, प्लस वाला पहले माइनस वाला 2 के है ना। चलिए ये तो इधर गुना हो जाएगा जी, तो प्लस माइनस 8 लिख सकते हैं ना बराबर 8 माइनस 2 के। अगर देखिए यहां पर टेक पहले लिखते हैं केस 1, केस 1 व्हेन वी टेक पॉजिटिव, जब हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो 8 बराबर है ना, लिख सकते हैं 8 माइनस 2 के, ये प्लस का साइन ले रहे है ना, तो कितना लिखा है 8 माइनस 2 के, तो 8 इधर घट जाएगा तो 0 इज इक्वल टू माइनस 2 के, तो माइनस 2 से डिवाइड कर देगा तो 0 ही आ जाएगा, यानी k का वैल्यू कितना निकलेगा जी 0, ठीक है ना। केस 2 व्हेन वी टेक नेगेटिव साइन, ठीक है, अगर हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं तो माइनस 8 इज इक्वल टू कितना इधर 8 माइनस 2 के, ये 8 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा होगा माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 2 के, ये माइनस कर जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 इज इक्वल टू के, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे है ना, पॉइंट जो है मिलेंगे 8 या 0, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग एरिया को क्या लिखे थे प्लस माइनस करके, क्योंकि पॉइंट जो है ध्यान दीजिए फ्रेंड, पॉइंट जो है वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, है ना, इसलिए पॉइंट निकालना था है ना, तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे, ठीक है ना, ये जरूर से करेंगे आप, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आप उसे बनाएंगे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, ठीक है, ज्वाइनिंग कर रहा पॉइंट 1, 2 और 3, 6 ये पॉइंट दिया हुआ है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स है ना, डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन वही है लेकिन नंबर चेंज है, ठीक है, तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन किस तरह लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन हमको फाइंड करना है ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए जो एरिया जो निकालते हैं ना उसी तरह से निकालिए और इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे, तो बोलिएगा सर इक्वेशन एरिया निकालने के लिए 3 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना, तो यहां पर जो तीसरा पॉइंट है ना वो एक्स वाई मान लेंगे, एरिया नहीं निकाल रहे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे, ठीक है ना। तो देखिए डिटरमिनेंट मेथड से निकाल रहे, हाफ डिटरमिनेंट लिखा, पहला पॉइंट लिखो 1 2,
यहाँ पर फिर सेकंड पॉइंट 36 है ना, 36। थर्ड पॉइंट जो है ना वो x, y, इधर साइड में कितना लेंगे 1, 1, 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। सेकंड उसी तरह बना लेंगे आप, हाफ, चलो 1 लेंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट डिलीट 1 × 6, 6 -y × 1, y जो -2, डिलीट डिलीट है ना, 3 को 1 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे 3 है ना, माइनस x को 1 से गुणा करोगे तो x, फिर लेंगे +1 है ना, +1 डिलीट डिलीट 3 × y, 3 y बीच में माइनस x × 6, 6, x क्लियर इज इक्वल टू 0। हाफ ये 1 को 6 × y से गुना करोगे तो 6 − y ही आएगा, ये हो जाएगा -2 से गुना कर लेंगे तो -6 +2x क्लियर है। 1 को इसमें गुना करेंगे तो प्लस का 3y और -6x इज इक्वल टू 0। अच्छा तो हाफ ठीक है, अब अच्छे से सजा लेते हैं। यहाँ पर 3y, 1y घट जाएगा तो कितना बचेगा जी 2y है ना, ये 2x है, 6x घट जाएगा तो -4x। अच्छा ये xy का काम खत्म, और नंबर को देखिए ये -6 + 6 खत्म बस ना, इज इक्वल टू 0। ये जो हाफ है, हाफ है ना, इधर लेकर जाइए, बटे ना ये, तो इधर लेके चले जाएंगे तो मैंने कितना मिलेगा 2y − 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो 2y इज इक्वल टू 4x, ये अपन सर इतना ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो y से 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, ये आप कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया है ना। तो आप जो है ना ये वाला जो क्वेश्चन है सेकेंड है ना, बिल्कुल उसी तरह से बनाइएगा। ठीक है, और ये मैंने फोर्थ बनाया, फिफ्थ जो है वो ऑप्शन का है। ठीक है, तो ऑप्शन वाला भी सेम टू सेम आपको सेकेंड वाले जैसे या सेकेंड या थर्ड जैसा बनाया था ना वैसे एरिया के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो उसी तरह बन जाएगा आपका, कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे दिखा दूं मैं आपको, देखो यहाँ पे इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस है ना, पॉइंट दिया हुआ है, बोलता देन के इज, के का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, उसे टिक करना। तो अभी जस्ट हम लोग तीसरा बनाए थे कि के का वैल्यू निकालने के लिए कैसे बनाते हैं है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ था 4 स्क्वायर यूनिट, यहाँ 35 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है ना। ठीक है, तो आपको तो 10 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, पॉइंट्स भी दिया हुआ है, तो के को निकालने के लिए आप उसी तरह से बनाएंगे, कौन सा ऑप्शन होगा उसे टिक करना है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू जी।